इंटरव्यूज के लिए भी इसमें से क्वेश्चंस आते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में, सो मेक श्योर यू बाय दिस बुक। सो आज का जो वीडियो है हम लोग बात करने वाले हैं हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड द फर्स्ट एपिसोड ऑफ दिस सीरीज। दिस सीरीज इज फैशन वीक, विच मीन्स आई विल अपलोड वीडियोज ऑन मंडे, ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे, सैटरडे, फ्राइडे एंड संडे। फॉर 7 days आई विल अपलोड वीडियोज एंड दिस इज फॉर द सेकेंड टाइम ऑन माई चैनल एंड दिस इज रियली ऑन डिमांड। बहुत लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर बोला था कि प्लीज़ डू इट फॉर अस एंड कुछ टॉपिक्स बोले थे दैट यू गाइज वॉन्ट मी टू कंसिडर। सो डेफिनेटली आई जस्ट थॉट दैट आई शुड डू इट एंड मैंने एक कम्युनिटी पर टैप डाला था कि शुड आई डू दिस और नॉट, एंड 98% लोगों ने बोला कि मैम प्लीज़ डू दिस। एंड इस वीक में फ्री भी थी थोड़ा सा, क्योंकि एज यू ऑल नो आई एम वर्किंग समवेयर, बट मेरी जो ट्रेनिंग है वो खत्म हो चुकी थी एंड मुझे जो ज्वाइनिंग है वो 1 तारीख से मिली थी। सो फॉर दिस वीक आई एम फ्री, सो आई थॉट दैट आई शुड यूज़ दिस वीक प्रोडक्टिवली। सो लेट्स डू इट। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए कंसिडर किए हैं, जो आप लोग बहुत टाइम से मुझे पूछ रहे थे, जैसे कि आज का वीडियो। अल्सो इफ़ यू गाइज डोंट नो मी एंड वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, हाई आई एम अश्रा वाग एंड आई एम अ फैशन स्टूडेंट। आई मेक वीडियोज़ अबाउट फैशन डिजाइनिंग, सम ब्लॉग्स एंड सम एंटरटेनमेंट वीडियोज एज वेल। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड ऑन माई चैनल देन प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज इट वुड मीन सो मच टू मी। एंड या डोंट गो विदाउट लाइकिंग एंड कमेंटिंग डाउन बिलो बिकॉज दैट वुड रियली मोटिवेट मी टू डू मोर वर्क। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का जो वीडियो है हम बात करने वाले हैं कि हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स, फिर वो निफ्ट की हो, NID की हो, या फिर जो भी, फिर वो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो फैशन डिज़ाइनिंग के रिलेटेड, जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स होती है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो गाइस, फैशन डिज़ाइनिंग में जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स होती है उसमें ज़्यादातर ये क्वेश्चंस होते हैं कि फैशन हिस्ट्री, फैशन का कहाँ से इवोल्यूशन हुआ था। अल्सो उसके साथ साथ कुछ जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी होते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि इंटरव्यू के दौरान भी आपको पूछे जाते हैं। एंड इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनी एंट्रेंस एग्जाम तो भी आपको, अगर फैशन डिज़ाइनिंग बनने वाले हो तो भी आपको ये सारी नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये सारी नॉलेज आगे फ्यूचर में ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसे आप कहीं पे इंटरव्यू दे रहे हो, जैसे आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पे भी आपको ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज इंपॉर्टेंट वीडियोस फॉर दोज हु वांट टू क्रैक एंट्रेंस एग्जाम एंड आल्सो फॉर दोज जो ऑलरेडी फैशन डिजाइनिंग में एडमिशन ले चुके हैं, उनके लिए भी ये क्वेश्चंस के आंसर्स पता होना बहुत जरूरी है। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैट। सो एज यू ऑल नो कि निफ्ट में एडमिशन लेने के लिए आपको 3 टेस्ट पास करने पड़ते हैं। फर्स्ट वन इज गैट, सेकंड वन इज गैट एंड थर्ड वन इज सिचुएशन टेस्ट। सिचुएशन टेस्ट पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कभी किसी दिन, बिकॉज दैट इज अ वेरी यूज टॉपिक। कैट एंड गैट के बारे में मैं आपको बताती हूँ। सो कैट इज अ क्रिएटिव एग्जाम एंड गैट इज अ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट विच विल इन्वॉल्व ऑल द जनरल नॉलेज, ऑल द थिंग्स लाइक इंग्लिश, कम्युनिकेशन, ग्रामर, बहुत सारी चीज़ें गैट में आती है। अब उसके लिए कुछ बुक्स भी है जो मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में, बट स्पेशली कैट की जो एग्जाम है उसके लिए आपको कोई भी बुक्स इतना हेल्पफुल नहीं लगेगा जितना आप खुद प्रैक्टिस करते हो या फिर जितना आपका खुद का इमेजिनेशन अच्छा हो। सो जो कैट के एग्जाम है उसके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है वो मैं आपको दे दूंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो जो प्रीवियस ईयर का कैट का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आए थे कि यू हैव टू अज्यूम इट दैट यू आर ड्रॉइंग दिस इन 2050, तो यू हैव टू ड्रॉ अ लंच बॉक्स या फिर अ अम्ब्रेला या फिर यू हैव टू ड्रॉ अ लॉक। सो इफ यू आर इन 2050 देन यू हैव टू इमेजिन कि ये सारी चीज़ें आप किस तरह से बनाओगे या फिर कितनी सारी उसमें और एडिशनल आ जाएंगे। सो इसको कहते हैं फ्यूचरिस्टिक ड्रॉइंग्स एंड फ्यूचरिस्टिक ड्रॉइंग इज अ बिग थिंग। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपने कभी अपनी आंखों से देखी नहीं होती है, बट स्टिल यू हैव टू इमेजिन इट एंड ड्रॉ इट। जैसे कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं दैट लाइक यू आर हैविंग 2 ग्लासेस इन योर हैंड्स एंड यू आर जस्ट फ्लिपिंग योर वाटर, तो जब एग्जैक्टली जब आप वाटर फ्लिप करते हो एक ग्लास से दूसरे ग्लास में तो उसका जो व्यू है वो कैसा आएगा। सो यू हैव टू ड्रॉ इट विद डिटेलिंग कि आप जब पानी पोर कर रहे हो दूसरे ग्लास में तो एग्जैक्टली उस टाइम पे आपको आपके दिमाग में इमेज बनानी पड़ेगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से पानी जब ग्लास में ऊपर से गिरेगा दूसरे ग्लास में तो हाउ यू हैव टू ड्रॉ इट, तो 2 ग्लासेस बनेंगे, पानी पड़ते हुए बनेगा, बट बहुत सारे वाटर ड्रॉप्स आपको ऐसे आजू बाजू में गिरते हुए दिखाने पड़ेंगे। एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ कि आपका इमेजिनेशन कैसा है, आपके सामने वो चीज़ नहीं है फिर भी आप उसको इस किस तरह से इमेजिन करके ड्रॉ करते हो। दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड कंसिडर व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर कैट एग्जाम्स। जैसे कि कुछ साल क्वेश्चन पेपर्स में ऐसा आया था दैट यू हैव टू ड्रॉ बनाना की प्रोसेस निकालनी थी फुली, जो जैसे वो फ्रेश होता है जहाँ तक वो एकदम से सड़ जाता है वहाँ तक की प्रोसेस निकालनी थी, तो हाउ बनाना लुक्स लाइक इन दिस प्रोसेस, तो यू हैव टू मेक अ इमेज ऑफ दैट बनाना एंड यू हैव टू मेक फ्रेश बनाना, देन उससे थोड़ा सा डल बनाना, एकदम कच्चा वाला बनाना, उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा और येलोइश बनाना, एंड दीज आर kind of pictures that you have to make when you are asked something like this. So और अगर question papers में और as an example अगर बताया जाए तो ऐसे भी कुछ questions थे that you have to draw t-shirt जो dry होने के लिए रखा है, fully wet,
टिल ड्राई द होल प्रोसेस, तो यू हैव टू मेक इट. उसके बाद में आपको कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस थे कि कोई बेडशीट है एंड द फुली नीट एंड क्लीन बेडशीट, उसके अनदर साइड यू हैव टू ड्रॉ फुली मेस्ड अप बेडशीट, जो फुली मेस्ड अप है या फिर बहुत ही क्रम्बल्ड है, बहुत ही बोलते हैं ना पुरानी है. दिस आर द टू फैक्ट्स जो आपको ड्रॉ करने पड़ते हैं, जैसे कि फ्यूचरिस्टिक ड्राइंग, इमेजिनरी ड्राइंग्स, ये सब चीज़ों में आपको अकेडमी में बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. आपको कुछ पास के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि टीवी शो, यू हैव टू ड्रॉ अ टीवी शो, या फिर यू हैव टू ड्रॉ अ कॉमिक, या फिर यू हैव टू ड्रॉ, आपको कोई स्टोरी बताया जाएगा उसके हिसाब से आपको उस स्टोरी को आप कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं आपके ड्राइंग्स के हिसाब से. बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है कैट के एग्जाम में. अगर आपको कॉमिक के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी हो तो देर इज़ बुक मेरे पास जो थी वो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगी. बहुत सारे ऐसे कॉमिक बुक्स होती है, यू कैन बाय एनीथिंग एंड यू कैन जस्ट प्रैक्टिस इट एंड यू कैन जस्ट नो दैट हाउ दे आर ड्रॉइंग देयर एक्सप्रेशन. उसमें से काफ़ी हेल्प होती है, स्पेशली व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर कैट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम दैट हैपन इन 2020. जो 2020 का एग्जाम हुआ था कैट का, उसमें आपको क्वेश्चंस पूछे गए थे. उसमें आपको बाइक दी गई थी एंड यू हैव टू ड्रॉ टू ह्यूमंस एंड अ एनिमल. सो आप किस तरह से उसको इमेजिन करके निकालते हो द सीनरी, यू हैव टू ड्रॉ टू ह्यूमन फिगर्स एंड वन एनिमल. सो आप किस तरह से उनको एडजस्ट करते हो आपके इमेज में. ऑलरेडी आपको बाइक दी गई थी, सो कीप दिस इन माइंड दैट यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. ऐसा कुछ नहीं दैट यू हैव टू जस्ट ड्रॉ टू ह्यूमन फिगर्स या फिर एनिमल. दिस इज नॉट दे आर आस्किंग फॉर, दे आर आस्किंग फॉर समथिंग यूनिक. जैसे कि अगर आपको टू ह्यूमन फिगर्स बोली है, एक बाइक बोली है, यू कैन जस्ट इमेजिन अ पर्सन हु इज ऑन बाइक एंड अनदर पर्सन हु इज ऑन हॉर्स. सो इस तरह से आप टू ह्यूमन फिगर्स भी निकाल लोगे एंड एक एनिमल भी निकाल लोगे एंड दे आर रेसिंग. या फिर यू कैन ऑल्सो ड्रॉ टू पीपल हु आर रेसिंग ऑन बाइक, या फिर वन बफेलो, लाइक बफेलो और समवन हु आर रेसिंग, या फिर कुछ ऐसा कुछ अलग सा सोचना है आउट ऑफ द बॉक्स जाके. अब वो हर एक साल अलग क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दिस कि अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप कैसे प्रिपेयर करते हो. अब बात करते हैं कि आपको आपके ड्राइंग स्किल्स के ऊपर. अगर बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि हमारी ड्राइंग्स अच्छी नहीं है तो एंट्रेंस एग्जाम में हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. सो ड्राइंग अच्छी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फैशन डिजाइनिंग में एंड स्पेशली व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर निफ्ट या फिर एनआईडी या फिर बहुत सारे और जो अदर एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनके लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो. द स्टार्टिंग यू हैव टू डू विद अ लाइन. सो यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन. जब तक वो स्ट्रेट नहीं आती, यू जस्ट हैव टू ड्रॉ इट अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन. यू जस्ट हैव टू ड्रॉ इट अंटिल यू आर परफेक्ट एंड यू ड्रॉ अ फिनिश लाइन. उसके बाद में यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल. सर्कल की प्रैक्टिस करते रहो जब तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब तक आपका हैंड फ्री नहीं हो जाता ड्राइंग्स के लिए, तब तक आपको ड्राइंग्स नहीं आएंगे. सर्कल की प्रैक्टिस करो, जिगजैग लाइन की प्रैक्टिस करो. यू हैव टू ड्रॉ अ हार्ट बीट, यू हैव टू ड्रॉ एनीथिंग, एनी पैटर्न यू हैव टू ड्रॉ विदाउट ब्रेकिंग दैट लाइन एंड बहुत फास्ट फास्ट करना है. पर इनफैक्ट ये आपको इलस्ट्रेशन में जो हमारा सब्जेक्ट था फैशन डिजाइनिंग में फर्स्ट ईयर में, जो इलस्ट्रेशन का सब्जेक्ट था, वहाँ पे भी हमको जब स्टार्टिंग में फर्स्ट डे ऑफ लेक्चर था इलस्ट्रेशन के बारे में, तब हमको बोला गया था कि यू हैव टू ड्रॉ दिस. अब ये बहुत ही बेसिक चीज़ है. अगर आपको ड्राइंग सीखनी है देन यू शुड प्रैक्टिस लाइक दिस ओनली. आप डायरेक्ट से कोई पिकासो नहीं बन सकते हो, आप डायरेक्ट से कोई एकदम से अच्छे नहीं बन पाओगे आर्ट्स में. अगर आपकी ड्राइंग्स आपको अच्छी बनानी है देन यू शुड प्रैक्टिस विद दिस. अगर आप ये प्रैक्टिस करते हो तभी आपका हाथ जो है वो फ्री होगा एंड तभी आपको जब जो चाहे आप फास्टली ड्रॉ कर पाओगे. 2020 के जो कैट के एग्जाम थे उसमें थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था दैट एक पैटर्न दिया था, कलर थ्योरी के ऊपर था, एक पैटर्न दिया था एंड यू हैव टू कलर इट. जैसे कि आप कोई मेडिटेशन कर रहे हो या फिर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो या फिर यू शोइंग अ एंग्री मूड या फिर इवेंट या फिर कुछ भी. जब कलर थ्योरी जो है इसमें हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता ही है. कलर थ्योरी इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग. बहुत सारे कलर्स के अलग अलग मतलब होते हैं, जैसे कि रेड होता है एंगर के लिए, व्हाइट होता है, येलो होता है पीस के लिए, बहुत सारे कलर्स होते हैं उसके अलग अलग मतलब होते हैं. यू शुड स्टडी कलर्स एज वेल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एप्टीट्यूड टेस्ट, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर इंटरव्यूज, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनीथिंग, यू शुड लर्न कलर थ्योरी. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड कंसिडर वेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम. नाउ लेट्स टॉक अबाउट गैट एग्जाम. गैट एग्जाम के लिए आपको 2 घंटे दिए जाते हैं एंड इसमें पूरा के पूरा सिलेबस एमसीक्यू के ऊपर डिपेंड होता है. बहुत तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं, ट्रस्ट में कुछ भी पूछा जा सकता है आपको. कम्युनिकेशंस के ऊपर आपको इंग्लिश के पैराग्राफ दिए जा सकते हैं, या फिर आपको फैशन हिस्ट्री पूछा जा सकता है, फैशन फैब्रिक के बारे में पूछा जा सकता है, कुछ भी आपको पूछा जा सकता है. उसके लिए कुछ बुक्स है जो मैं आपको बताऊंगी दैट यू शुड बाय. अरिहंत की भी एक बुक है जो बहुत अच्छी है, मेरे पास वो नहीं थी, मेरे पास जो है मैं आपको दिखाऊंगी. बट जो अरिहंत की बुक है उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. यू शुड प्रिपेयर फ्रॉम दैट बुक, वो बहुत अच्छी है. गैट एग्जाम का जो सिलेबस है उसको 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया. फर्स्ट वन विल बी क्वांटिटेटिव एग्जाम जिसके 20 क्वेश्चन होंगे. द सेकंड वन इज कम्युनिकेशन जिसके 25 क्वेश्चन होंगे. द थर्ड वन इज इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन उसके 25 क्वेश्चन होंगे. द फोर्थ वन इज एनालिटिकल जिसके 15 क्वेश्चन होंगे एंड द फिफ्थ वन इज जनरल नॉलेज
एंड करंट अफेयर्स, उसके हो गए 10 क्वेश्चन. दीज आर द टॉपिक जिसमें आपकी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो डिवाइडेड की गई है. लाइक मैंने कहा कि क्वांटिटेटिव एग्जाम, उसमें आपको बहुत सारे एडिशनल, मल्टीप्लीकेशन, सब्सट्रैक्शन एंड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपने 12th तक पढ़े हैं, आपका सिलेबस में था मैथ्स के. उसके बाद में आता है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन में आपको पैराग्राफ्स दिया जाएगा, आपको कोई इंग्लिश का चीज़ दी जाएगी, फिल इन द ब्लैंक, यू हैव टू मैच द पेयर, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं. ये आता है कम्युनिकेशन में. उसके बाद में आता है ग्रामर कॉम्प्रेंसेशन या फिर इंग्लिश, तो उसमें आपको ग्रामर की पढ़ाई होगी. इंग्लिश के बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है. अगर आपको ग्रामर भी नहीं आता है तो इन ग्रामर के भी क्वेश्चन आपको गैट में आ सकते हैं. बहुत बार लोग का होता है कि कैट एग्जाम के लिए दे आर प्रिपेयर्ड, बट गैट एग्जाम के लिए हम नहीं बता सकते कि सिलेबस क्या आएगा या फिर कैसे क्वेश्चन आएंगे. गैट में कुछ भी पूछा जा सकता है. दिस इज ऑल द थिंग दैट आई नीड टू टेल यू गाइज. एंड बहुत लोग मुझे कहते हैं दैट शुड वी कंसिडर कोचिंग क्लासेस या फिर कोई ऑनलाइन कोर्स फॉर निफ्ट एग्ज़ाम, फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम. सो आई वुड से बेसिकली कोई ज़रूरत नहीं है. आप अगर बुक्स भी पढ़ते हो, आप आपका ड्राइंग स्किल्स पे आप कितने भी कोचिंग्स लगा लो, आप अगर खुद प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपको कुछ हेल्प नहीं हो सकती है. कोचिंग एग्ज़ाम लगाना इज़ अ एडिशनल थिंग, आपकी इच्छा है आप लगा सकते हो. बट अगर नहीं भी लगाते हो तो भी बहुत लोग का क्रैक हो जाता है. मेरी बहुत सारी दोस्त है, उनसे मैंने, वो भी निफ्ट बैंगलोर में है, एंड उनसे मैंने उनका एक्सपीरियंस पूछा था एग्ज़ाम के बारे में, तो उन्होंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी या फिर स्पेसिफिकली कहा जाए तो उन्होंने कोई भी कोचिंग नहीं लगाई थी, फिर भी उन्होंने क्रैक कर लिया. मैंने जब उनको पूछा कि दैट हाउ यू डिड इट, तो उन्होंने कहा दैट आई वॉज प्रैक्टिसिंग फॉर 6 months कंटिन्यूसली. मैं बिल्डिंग्स निकालती थी, मैं कहीं पर भी बैठी हूँ, बैठे बैठे मैं कुछ भी ड्रॉ करने लगती थी. सामने चीज़ें आती थी, मैं उसको ट्राई करती थी ड्रॉ करने का. एंड अगर कुछ भी ड्रॉ करने के लिए नहीं हो तो मैं खुद को ड्रॉ करती थी, ह्यूमन फिगर्स ड्रॉ करती थी, या फिर ट्रेन ड्रॉ करना, या फिर बसेस ड्रॉ करना, बल्ब ड्रॉ करना, मोबाइल ड्रॉ करना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं. अगर आप ऑल ओवर आपके सराउंडिंग में देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, यू शुड ट्राई विथ दैट. जब आपका ऑलरेडी आपका हैंड बैठ जाए ड्राइंग के ऊपर तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कोई भी क्लासेस लगाने की. अब रही बात आपको नॉलेज की कि आपको कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर ऑल दैट, वो सब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी आपको कवर हो जाएगा. या फिर उसके लिए बहुत सारे बुक्स हैं दैट यू शुड कंसिडर एंड दैट यू शुड बाय. बहुत सारे बुक्स ऑनलाइन भी है, मैंने एक साइट भी बोली थी जहाँ पे आपको बहुत सारे बुक्स फ्री में मिल जाएंगे. आप इलस्ट्रेशन के बुक्स डाउनलोड कर सकते हो, बहुत सारे बुक्स आपको फ्री में ही वहाँ पे मिल जाएंगे. हे गाइस, मैं ये बुक के बारे में बताना भूल गई थी, कोई बात नहीं, आई एम शूटिंग दिस ऑन नेक्स्ट डे. सो दिस इज द बुक जो निफ्ट के लिए या फिर एनआईडी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं वो लोग कैट के लिए इस बुक से प्रिपेयर कर सकते हैं. दिस बुक इज़ वेरी गुड एंड इसमें सारा कैट का सिलेबस है, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी है. तो इफ यू वॉन्ट देन यू कैन परचेज दिस बुक ऑन अमेजॉन एंड आई विल जस्ट गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. बहुत सारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो आने चाहिए एक फैशन डिजाइनर को, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपका गैट क्लियर हो जाएगा. इंटरव्यूज के लिए भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में. सो मेक श्योर यू बाय दिस बुक. इफ़ यू वॉन्ट देन यू कैन ऑल्सो परचेज अरिहंत की जो निफ्ट की और एनआईडी की बुक है, उसमें भी काफ़ी सारे अच्छे नोट्स हैं. यू कैन जस्ट बाय दैट टू. आई विल जस्ट शेयर ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन. तो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज. आई होप यू लाइक इट एंड होप दिस इज हेल्पफुल फॉर यू. अगर आपको कोई भी क्यूरी है, कोई भी डाउट हो, यू कैन ऑलवेज टॉक टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम. ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन. एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं कल बहुत ही खास वीडियो आने वाला है, विच इज़ ऑल अबाउट INFD, INFD के एप्टीट्यूड टेस्ट, INFD का एडमिशन प्रोसेस, एवरीथिंग अबाउट INFD आई विल टेल यू. सो या मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो टू एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस. मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बी अ रीज़न समवन स्माइल एंड कीप स्माइलिंग. बाय.